इंजीनियर जनक भारद्वाज फिर एक नई प्रॉब्लम के परमानेंट सलूशन के साथ। अभी हम किसी गाड़ी के पास जा रहे हैं, प्रॉब्लम है कोई गाड़ी में, और बाकी आप गाड़ी के पास पहुंच के देखना कि प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों अभी चले हुए हैं, फोन आया अभी ब्रेकडाउन सर्विस। चेक कर लो इसको जरा, बोनट खोलना जी गाड़ी का, महिंद्रा स्कॉर्पियो एम हॉक। चेक करते हैं कहाँ पे क्या दिक्कत है। करना यहाँ पे चेक, तो यहाँ पे हमारा पंप जो है बिल्कुल हमें लग रहा है खाली, डीजल की प्रॉब्लम हो सकती है। लाइए स्पैनर दीजिए, टूल निकालिए फटाफट। तो कई बार दोस्तों रात में हो जाती है ऐसी दिक्कतें, फ्यूल नहीं पहुंच पा रहा है प्रॉपर इंजन तक। कई बार ऐसा हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं, कोई करंट नहीं लगता। तो डीजल की सप्लाई को हमने प्रॉपर पूरा, अब भारी, अब देखिए दोस्तों अब भारी हो गया। कीजिए जी स्टार्ट, कीजिए गाड़ी, सेल्फ लगाइए थोड़ा लंबा। हाँ जी न्यूट्रल कर लेना गाड़ी। हाँ जी तो दोस्तों डीजल की प्रॉब्लम, सप्लाई नहीं बन पा रही है, 2 मिनट का काम था, चेक करना पड़ेगा। चेक भी करेंगे कि क्या क्यों बीमारी आ गई इसमें, तैयार हो गई है बीमारी इतनी बड़ी। तो लग रहा है कि डीजल की लाइन में कुछ दिक्कत है, प्रॉपर डीजल नहीं पहुंच पा रहा, फ्यूल फिल्टर चोक हो सकता है। नाइट में हमारी सर्विस रहती है इस तरह से। भैया बाहर आना जी, बाहर आ जाओ। वाइपर बंद करें। एक तो देखिए दोस्तों गाड़ी को तो अभी हमने कर दिया ठीक, ले जाएंगे अपने ऑपरेशन थिएटर रोटी, एक बार चेक करेंगे वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। बाकी फैमिली आप देख ही रहे, पूरी फैमिली, बच्चे डिस्टर्ब है, तो कई बार रात को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए हम इस चीज़ को सिखा रहे हैं, ये टेक्निक आपको भी सिखा रहे हैं कि गाड़ी आपकी फंस जाए खुद क्या कर सकते हैं। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया दोस्तों। कीजिए बंद, कीजिए बॉन्ट कवर बंद कीजिए। तो गाड़ी को ले जाएंगे ओटी ऑपरेशन थिएटर, बाद चेक करेंगे कि क्या दिक्कत है। हाँ जी हाँ डीजल है, फुल कर नहीं, 1000 का डाल दो, 1000 का बहुत नहीं है, 1000 का डाल दो। तो देख लेते हैं इसमें, अभी डीजल का भी मेरे को लग रहा है कुछ डाउट है, एक बार डीजल डाल के भी फिल करके देख लेते हैं। तूने भी जाना है? लो जी
पंप मारना जी। मित्तू बोलिए इसको खाना ये किसने दे दी इतनी जल्दी नहीं दे रहा तो पता नहीं क्या कर गया। बना देना थोड़ा थोड़ा मंजर की दाल बना देना। हाँ मरका की दाल चावल बना दो सब के लिए। हाँ ठीक है हम चलेंगे तो बता देंगे तुम्हारे को। हाँ इसको भी करो नीचे आएगा नहीं और आएगा उठा इसको हुआ अरे उठा के हाँ जतिन क्या करता है कुछ करता है। मित्तू आ गया मित्तू कर इसको ऊपर को। अच्छा ये करना है हाँ रॉन्ग साइड नहीं जाना ना मतलब उधर को घूम के ना परेश निकलना वापस है ना। ठीक है तो इसको इस कंडीशन को देखकर लगता है कि इसमें फ्यूल की ही प्रॉब्लम थी और फ्यूल की वजह से ये गाड़ी रुकी है। फ्यूल डालने के बाद देखिए अब गाड़ी बिल्कुल ओके चलेगी आपकी और मुझे लगता है कि धोखा हुआ है इसमें जो डैश यूनिट पे गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो दोस्तों फाइनली जो हमने गाड़ी को जो फ्यूल धोखा हुआ इनके साथ दोस्तों धोखा मीन्स इनका जो अंदर डैश यूनिट पे मीटर है वो तकरीबन दो लेवल दिखा रहा था। इसका मतलब है दो लेवल का मतलब है दोस्तों तकरीबन 20 लीटर फ्यूल टैंक में फ्यूल तो धोखा दे दिया एकदम से उसके अकॉर्डिंग चले थे और गाड़ी का फ्यूल हो गया रास्ते में ख़त्म। पूरी फैमिली के साथ है बच्चे भी साथ में है रात का समय है हमें कॉल आए दोस्तों और हम फास्ट और फ्यूरियस AK-47 के बुलेट से भी फास्ट वहाँ पहुँचे जाके और इनको सेवाएँ दी और तरीका देखे आपके साथ भी हमने शेयर किया कि कभी ऐसा हो जाए तो कैसे आप चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं तो ये भी हमने दिखाया बाकी आप कस्टमर की जुबानी सुन सकते हैं दोस्तों। थैंक यू जी थैंक यू। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जनक जी का कि जो हमें गाड़ी में धोखा हुआ दो ये दिखा रही थी कि फ्यूल इसमें है जो दो इंडिकेटर हमें लग रहा था पता गाड़ी में कि इसमें फ्यूल है बट हमें पता नहीं चल रहा था गाड़ी थोड़ा चल रही थी थोड़ा रुक रही थी तो हमें पता ही नहीं था। और थैंक यू जनक जी ने जो ये हमारा डाउट क्लियर किया कि आपको शो तो हो रहा है कि इसमें फ्यूल है बट इसमें फ्यूल नहीं था तो इन्हीं के ये कहने से हमारा ये डाउट जो है क्लियर हुआ। और हम बहुत सारी फैमिली है जो हम मंदिर आए थे शिमला से बट हम अभी इतने परेशान हो रहे थे और हमें किसी ने नंबर दिया कि जनक जी जो है वो आपका डाउट क्लियर करेंगे। इन्होंने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थैंक यू। और एक चीज़ हमें क्लियर कर दी कि अगर नहीं उसमें फ्यूल हो तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच थैंक यू जनक जी थैंक यू सो मच। तो दोस्तों कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है दिन हो रात हो बरसात हो धूप हो प्यास हो फिर भी हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए छोड़ के अपने काम पे लगते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारी सारी वीडियो आपके पास रहती है रात के 2 बजे हो बारिश हो जैसे मुझे कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है और हम अपना पॉजिटिवली जो है एक्सपीरियंस जो है अपना अनुभव है आपके साथ शेयर करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें कमेंट करें और बेल बटन को जरूर ऑन करें दोस्तों जिससे कि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।